तो भाई अभी जा रहे हैं हम आगे, जहाँ आपको दिखाएंगे हम गुप्त गंगा। मेरे को खुद बड़ी क्यूरियोसिटी है कि भाई रेत खोद के नीचे कैसे पानी निकलेगा। बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, ये हिस्ट्रिक प्लेस है। तो ये टेंपल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, टेंपल है यहाँ से आप पीछे जाते जाओगे, ये छोटे छोटे टेंपल है, इनकी भी एक अलग कहानी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल चाणक्य लाइव। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त सूरज। तो चलो करते हैं दिन की शुरुआत एक नई वीडियो के साथ, तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई आज मैं जा रहा हूँ अपने एक फ्रेंड के पास। कहाँ जा रहा हूँ आपको साथ में लेके चलता हूँ, पर उससे पहले मिलता हूँ आपको रेडियो के। तो भाई रेडी हो चुके हैं, कपड़े लगा लिए हैं, बाल शाल सेट कर लिए हैं, अभी जाएंगे हम, देखते हैं गाड़ी लेके जाएंगे बाइक लेके जाएंगे, बाहर डिसाइड करते हैं। सोच रहा हूँ बाइक लेके जाता हूँ यार, क्योंकि आज मौसम बहुत सही है। तो मिलते हैं आपको बाहर, गाड़ी या बाइक अभी बताता हूँ। तो भाई आज हम निकल रहे हैं अपनी सूरजमुखी में, ये हमारी सूरजमुखी, इसको लेके जाएंगे हम। तो मिलता हूँ आगे आपको। तो आज आपका भाई कहाँ जा रहा है वो आगे बताऊँगा मैं आपको, फिलहाल तो विकास को हम पिक करते हैं, फिर मिलता हूँ आपके आगे। भाइयों देयर इज़ अ लिटिल बिट चेंज इन प्लान, अब हमने अपनी सूरजमुखी को घर पे छोड़ दिया और ये ब्लैक पैंथर को लेके जा रहे हैं। ये ब्लैक पैंथर, पैंथर दूसरा उसकी है, ये ब्लैक पैंथर, और ये दूसरा वाला जो मूंछ पा रहा है ये हमारे साथ जा रहा है। आप क्यों नहीं आए आज? नहीं, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो हम कल या परसों प्लान पक्का करेंगे। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, मैं अपने फ्रेंड विकास के साथ कहीं जा रहा हूँ। तो भाई आज हम जा रहे हैं परमंडल, परमंडल हमारा एक फ्रेंड है नीरज, उससे मिलने जा रहा है। यार एक्चुअली मैं खुद फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ परमंडल, पहले गया नहीं हूँ, बहुत सुना है उसके बारे में, ऐसे हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी पवित्र जगह मानी जाती है वो, छोटा काशी बोलते हैं उसको। तो दिखाते हैं आपको आगे जाके जो जो दिखाने वाली चीज़ होगी। अभी फ़िलहाल दिन के बज चुके हैं 1:30 बजे हुए हैं, अभी हम हैं यहाँ मुट्ठी कैंप से आगे निकल रहे हैं हम। तो भाई ये अभी हाईवे स्टार्ट हो रखा है, ये फ्लाईओवर बन रहा है यहाँ से, ये बख्शीनगर से फ्लाईओवर बन रहा है, तो सीधा ये उतरेगा यहाँ मुट्ठी कैंप के आसपास कहीं पे। तो दिखाते हैं आप आगे, तब तक के लिए आप ये हाइपरलैप्स एंजॉय करो। तो भाई अभी हम पहुँच गए हैं 4th ब्रिज पे, ये देखो सामने व्यू देखो यार, बाहू फोर्ट, जय माता दी। तो यहाँ से आगे हम निकल रहे हैं परमंडल की तरफ। तो भाई आगे परमंडल के लिए आगे दो रास्ते हैं, एक तो भाई सीधा जाता है कुंजवानी से होता हुआ सीधा जो हाईवे पकड़ना है, दूसरा रास्ता जाता है अपना सैनिक कॉलोनी के अंदर से, शॉर्टकट रास्ता है, तो वहाँ से निकलेंगे, वहाँ से काफ़ी मतलब कोई 7-8 किलोमीटर का फर्क पड़ जाता है। तो आप सबको किसी को भी परमंडल जाना हो तो शॉर्टकट रास्ता आप ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आज परमंडल जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ, विकास के साथ, और अपना एक फ्रेंड है यहाँ पे, उसके पास आए हैं हम। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ अपने दोस्त से, भाई ये हमारा निजू भाई। निजू भाई बोलो कुछ आप हमारे इस चाणक्य टाइम्स फैमिली को। हाँ तो ये चाणक्य ने मेरे को सुबह सुबह फ़ोन करा है, तो बोला कुछ एक्सप्लोर करना है, तो मैंने इसको यहाँ लेके आया हूँ। ये परमंडल से कोई 4 किलोमीटर आगे जगह है, ये इस जगह का नाम है इंदेश्वर, जहाँ से मतलब देविका का ओरिजिन हुआ है, शिवजी भगवान का मंदिर भी यहाँ बना हुआ है, आप देख सकते हैं पीछे ये यहाँ पे। हाँ और इसके साथ ये साथ में ही पांडवों की गुफा है, माना जाता है कि पांडव यहाँ आके उन्होंने गुफा बनाई थी और यहाँ पे रुके थे काफ़ी देर, अपनी भक्ति वगैरह यहीं से करते थे वो, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे भी हैं गुफाएं, अब ये शिवलिंग है यहाँ पे, बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, ये हिस्ट्रिक प्लेस है। सही जो पॉइंट है जहाँ से देविका मतलब निकलती है वो थोड़ी सी नीचे जाके है, वो हम बाद में देखते हैं, नीचे जाके वहाँ पे दिखाते हैं आप सबको, जहाँ से एक्चुअली में देवक ओरिजिन हुआ है वो आपको दिखाते हैं हम नीचे जाके।
तो दोस्तों आ चुके हैं हम उस जगह पे जहाँ से देवक का ओरिजिन हुआ है। मुझे पता है आप सबको बहुत क्यूरियोसिटी है जैसे कि मुझे थी कि देवक हमारी कहाँ से निकलती है, तो आज मैं उस ओरिजिन पे बहुत पैदल चल के आपके लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। होप कि आपको अच्छी लगेगी वीडियो। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ से देवक का ओरिजिन हुआ है। बेसिकली देवक यहीं से ओरिजिनेट होती है। यहाँ पे ये मंदिर है एक, और ये जो ओरिजिन ये मेन ओरिजिन है उसका देवक का, और ये यहाँ पे एक टेम्पल भी बना हुआ है छोटा सा। तो दोस्तों ये है वो मंदिर, यहाँ पे ये मंदिर है, शिवलिंग भी है यहाँ पे छोटे छोटे। तो आप जब यहाँ पे आएंगे आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों नियर अबाउट 2 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद वापस आ चुके हम अपनी सवारी के पास, ये गाड़ी। तो भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, तो टारगेट है आज का आपके लिए 150 लाइक करवा दो यार। नहीं फिर आप जहां बोलोगे वहां पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों अभी हम जिस जगह पे हैं यू कांट इमेजिन कितनी ब्यूटीफुल जगह है ये, मैं आपको दिखाऊंगा। निजू भाई कौन सी जगह है, क्या नाम है इस जगह का? जगह का नाम है दियोन। दियोन पता नहीं जो मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, पर बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल जगह है। Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me. तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं परमंडल में, छोटा काशी जो जगह है जहाँ पे देवक रिवर है। अभी यहाँ पे टेंपल है, आपको दिखाएंगे कि अंडरग्राउंड वाटर गुप्त गंगा कैसे पानी निकलता है नीचे से। तो निजू भाई जो कि यहीं पे रहता है इसको भी कोई आइडिया नहीं है। निजू शर्म कर यार, क्या ये क्या ड्रामा है? नहीं नहीं ये परमंडल का बंदा है, इसके घर के सामने है, ये घर है इसका, और इसको आइडिया नहीं है इतना कुछ खास। चलो इसकी भी गलती नहीं है, ये भी यहाँ इतना रहा नहीं है। ये है बेसिकली गुप्त गंगा, जैसे ही आप इसकी रेत निकालोगे तो नीचे से पानी निकलेगा। तो भाई अभी जा रहे हैं हम आगे जहाँ आपको दिखाएंगे हम गुप्त गंगा, मतलब गुप्त गंगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी है, पर निजू भाई बोल रहे हैं हम आगे दिखाएंगे। निजू भाई वहाँ से पानी दिखाएंगे हम रेत को साइड करके, आप खुद देखो यार। मेरे को खुद बड़ी क्यूरियोसिटी है कि भाई रेत खोद के नीचे कैसे पानी निकलेगा। अभी देखते हैं, निजू भाई बोल रहे हैं यहाँ पे, अभी दिखाते हैं आपको भी। दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये तो शिव जी का मंदिर है, ये मंडल में जो छोटा काशी के नाम से मशहूर है, और ये गुप्त गंगा। गुप्त इसलिए कहा जाता है इसमें, क्योंकि जैसे इसको रेत आप निकालोगे इसमें से पानी निकलेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव, देखिए आप। ये अभी पानी थोड़ा गंदा गंदा है, फिर बाद में ये साफ़ हो जाएगा। लोग इसी को लेके जाते हैं एज ए गंगा जल यूज़ करते हैं इसको, पानी खराब नहीं होता ये, जितनी देर मर्जी रखो। ये पहले का निकाला हुआ है, देखो पूरा साफ पानी है इसमें। और ये शिव जी का मंदिर है जो दोस्तों जैसे कि ऊपर मैंने आपको दिखाई थी जहाँ पे गुप्त गंगा का ओरिजिन हुआ था, तो वहाँ पे गुफाएं दिखाई थी जो पांडवों ने बनाई थी, वैसे ही सेम कुछ गुफाएं पांडवों ने यहाँ भी बनाई थी। तो आपको यहाँ पे दिखाते हैं, हम वहीं पे आए हैं, थोड़ा सा ट्रैक है यहाँ पे आने के लिए, इसलिए थोड़ी सी सांस चढ़ गई है, उसके लिए सॉरी। अभी देखें ये यहाँ पे गुफाएं हैं जो ये पांडवों ने बनाई थी पांडवों के टाइम पर, जब उनको वनवास हुआ था। तो दोस्तों ये हम गुफा के अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे ये गुफा यहाँ से शुरू होती है, तो आगे तो बंद है, अभी बंद कर दी हुई है। और ये दूसरी पहले वाली है, अब ये दूसरी गुफा है, ये यहाँ से यहाँ पे शिवलिंग भी है। यहाँ गुफा कहाँ से है? ये बंद कर दी है शायद, यहाँ से होगी ये गुफा इतनी है। अच्छा, ये इतनी गुफा है। जय भोलेनाथ। भाइयों एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मेरे को नीरज भाई ने अभी बताई, कि ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने MSc का एग्ज़ाम दिया था जब, तो इनका कहना है कि ये यहाँ पे आते थे पढ़ने के लिए, और इन्होंने मेरे को आज ही बोला कि निजू भाई ने कि ये बुक्स लेके, क्योंकि तब तो गर्मी होती थी, ये गुफाएं बड़ी ठंडी होती है। नीरज भाई यही गुफाएं हैं? तो कितनी देर रात बैठते थे आप यहाँ पे? 5-6 घंटे गुफा के अंदर। बाय गॉड,
यहाँ पे अभी गंदे पड़ गया है। अच्छा पहले साफ थी, तो यहाँ पे क्या कंबल शंबल लेके आता था तू? और क्या, और क्या। इधर से एक ज्ञान मिल रहा है नीरज भाई से कि अगर आप सब में से जो अभी बंदों ने जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है जिसको MSc का एंट्रेंस निकालना है तो सारे सारे यहाँ पर मंडल आए और ये जो गुफाएं हैं यहाँ पे गुफाओं में जाके पढ़े क्या नहीं भाई? MSc के लिए नहीं, कोई भी पढ़ सकता है आके, कहीं पे आके। यहाँ पे शांति बहुत है बेसिकली, ये मजाक में हम चीज़ बोल रहे हैं पर यहाँ पे शांति बहुत है और ये सच्चाई है। नीरज भाई ने सही में बोला था मेरे को अभी पीछे, तो मैंने सोचा है ये स्टोरी बतानी चाहिए कि किस तरह से एक इस बंदे ने हार्डवर्क किया हो अपने टाइम पे। तो ये टेम्पल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, टेम्पल है यहाँ से आप पीछे जाते जाओगे, ये छोटे छोटे टेम्पल हैं, इनकी भी एक अलग कहानी है। अब मेरे को ये निजू भाई आपको इस इन टेम्पल्स की, ये जो ये टेम्पल दिख रहा है आपको, ये टेम्पल दिख रहा है, ये टेम्पल दिख रहा है, ऐसे बहुत सारे टेम्पल हैं, इनकी कुछ कहानी है, कोई मान्यता है इन टेम्पल की आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ जी निजू भाई, इसमें यही था कि जब पार्वती माता मतलब गंगा जी जब आने लगे ना, तो उन्होंने बोला कि कहीं मुझे डर लगेगा अगर। अच्छा, जो गुप्त गंगा यहाँ पे आई माता, उनको डर लग रहा था कि वहीं मुझे डर लगा अगर, तो शिव जी ने बोला कि जहाँ भी आपको डर लगा वहीं मैं प्रकट हो जाऊँ। ये मंदिर, फिर ये हो गया ये मंदिर, मतलब क्या हुआ कि ऊपर तक मतलब कोई 2 किलोमीटर तक ना ऐसे मतलब हर किसी का अलग नाम है, किसी का रामेश्वर, किसी का बृहेश्वर, ऐसे ऐसे। तो बेसिकली नीरज भाई का कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये जो छोटे छोटे मंदिर हैं ये बेसिकली इसलिए बने हैं जब गुप्त गंगा माता यहाँ पे शिव जी भगवान ने यहाँ पे इनको छोड़ा था, तो माता का ये कहना था कि मेरे को यहाँ पे डर लग सकता है, इतनी सुनसान जगह है। तो भोलेनाथ जी ने बोला कि आप अकेले नहीं हो, तो इसीलिए उन जहाँ पे भी आपको डर लगेगा तो मैं वहाँ पे प्रकट हो जाऊँगा। इसीलिए ये सारे छोटे छोटे मंदिर जितने आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे भोलेनाथ के टेम्पल हैं। तो ये इसकी एक कहानी थी छोटी सी जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए ताकि आप जब लोग यहाँ पे आओ तो आपको ये छोटी सी चीज़ पता हो। तो दोस्तों आज का सफ़र यहीं तक था नीरज भाई के साथ हमारा, तो अभी हम बैठेंगे गपशप मारेंगे, कुछ कोल्ड ड्रिंक शोल्ड्रिंक पियेंगे, पर अभी दिखाने के लिए जितना एक्सप्लोर हम कर सकते थे अभी तक हमने बहुत काफ़ी कुछ कर लिया और काफ़ी ट्रैक भी किया हमने। कितना ट्रैक किया है? हमने कोई पैदल तो हमने 2 किलोमीटर और यहाँ से हम गाड़ी में बहुत ऊपर तक गए थे, कोई मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर और आगे गए हम। तो जहाँ पे आपको हमने ये अपना गुप्त गंगा का ओरिजिन दिखाया था, तो अभी तक फिलहाल तो यही, अगर कुछ दिखाने वाला होगा तो दिखाएंगे, मुझे लगता है जितना हम कर सकते थे। अभी टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 6 बजने वाले हैं, 6:30 बजने वाले हैं। तो मिलते हैं आपको ऐसी वीडियो में भाई। और नीरज भाई क्या करना है बताओ सबको? लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमने बहुत मेहनत की है यार, और एम करते हैं आज 200 लाइक होने चाहिए। कुछ भी 200 लाइक का एम करते हैं भाई, 200 लाइक होने चाहिए और शेयर करो प्लीज वीडियो को। नहीं तो इन मंदिरों में हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि विकास भाई को काम था और जो थोड़ा बहुत हम काम करना आए थे वो हमने काम कर लिया है, बाकी एक्सप्लोर भी कर लिया, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर लिया और काफ़ी नॉलेज गेन करके जा रहा हूँ मैं यहाँ से। काफ़ी कुछ मेरे को पता चला है परमंडल के बारे में, छोटा काशी इसको बोलते हैं, गुप्त गंगा के बारे में। तो अभी भाई मैं थक भी गया हूँ बोल बोल के। विकास भाई आप कुछ बोलोगे? See you again in his next vlog. तो अभी हम भाई निजू भाई की शॉप पे आए हैं, निजू भाई के चाचू की शॉप है, सोचा थोड़ा हाइड्रेट हो जाते हैं, बड़ा चल गए हैं, बड़ा थक गए हैं। विकास भाई बोल रहे मैं डाइटिंग पे हूँ, मैं कुछ नहीं लूँगा, बोरा मैं कोक पेप्सी सब कुछ छोड़ दिया है। क्या विकास भाई डाइटिंग पे हैं, चलो मिलते हैं आपसे ये ख़त्म करने के बाद। तो दोस्तों अभी हम नीरज भाई के घर पे, अब नीरज भाई से हम अलविदा ले रहे हैं। नीरज भाई तो मिलेंगे, हमने कल परसों का प्लान बनाया है, देखते हैं दिखाएंगे अगर हम प्लान सक्सेसफुल हुआ तो, नीरज भाई चाहेंगे तो प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। विकास भाई चलें अब? चलो ये तो मेरे साथ ही जा रहा है, तू कहाँ, तू अभी मेरे को घर पर छोड़ के जाएगा। ठीक है निजू भाई, बाय बाय। तो दोस्तों परमंडल से हम निकल चुके हैं, निजू भाई को हमने अलविदा कह दिया है और अभी शाम के बज गए हैं 7:15। तो भाई यही था आज का जो सफ़र था, आपको मुझे उम्मीद है कि आपको सबको अच्छा लगा होगा, जहाँ जहाँ पे हमने काफ़ी एक्सप्लोर किया नई नई जगहों पे। ये भी देवक नदी है तो घर की तरफ, शाम के 7:15 हैं, अपने ब्लैक पैंथर पे मैं और विकास भाई आगे। भाई अब कुछ दिखाने वाला तो है नहीं है, तो जो कुछ है थोड़ा बहुत हाइपरलैप्स आपको दिखाएंगे, इंजॉय करो यार हाइपरलैप्स को, अब क्या ही बोलूँ आगे, थक भी गया हूँ यार काफ़ी टायर्ड हूँ। भाई आप इस व्यू को एंजॉय करो यार, कितना तगड़ा व्यू आ रहा है, अभी सनसेट हो रहा है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। ये साथ में जो है ये देवक चल जा रही है साथ में, और छोटे छोटे पहाड़ यार, इतना सही लग रहा है ये व्यू। तो चलो दोस्तों अभी आपको मिलता हूँ बाद में, मैं घर जाके मिलूँगा।
तो दोस्तों पहुंच गया हूं घर पे यार, अभी अभी शाम के 8:30 बजे हैं यार, काफ़ी लेट हो गए हम, अंधेरा हो गया था तो अभी कुछ दिखा नहीं पाया। विकास को मैंने घर पे छोड़ दिया और ब्लैक पैंथर मैंने कुणाल को दे दी, वहां से अपनी सूरजमुखी को लेके घर आ चुका हूं, काफ़ी टायर्ड हूं। अभी मिलते हैं आपको ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय। और हाँ भाइयों, अगर प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ।